नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कर ले, और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस को भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान सितंबर, जी हाँ सितंबर से शुरू हो सकता है, और एम्स के प्रमुख और डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस संबंध में संकेत देते हुए बताया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जी हाँ, गुलेरिया ने आगे कहा है कि उनका विचार में जायडस कैडिला ने ट्रायल कर लिए है और उन्हें आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी का बस इंतजार ही है, जहाँ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल भी बच्चों पर अगस्त या सितंबर तक पूरा हो सकता है, और दूसरी ओर फाइजर की वैक्सीन को अमेरिकी नियामक से आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों को टीका लगाने के अभियान में हम सफल हो जाएं। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि पूरी निगरानी के साथ जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि महामारी के इस दौर में कंप्यूटर और मोबाइल की उपलब्धता नहीं होने पर बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, एंड विच इज द राइट थिंग राइटली पॉइंटेड आउट। वहीं बूस्टर डोज के विषय पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि समय के साथ इम्यूनिटी में गिरावट होगी। उन्होंने साफ किया है कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी और दूसरी पीढ़ी के ये टीका बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे, जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे। फिलहाल इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है, और रणदीप गुलेरिया के अनुसार इस साल के अंत तक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, लेकिन यह तभी होगा जब एक बार पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। जब भारत में अब तक वयस्कों को 42 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, और अब तक देश में करीब 6% आबादी को ही कोरोना की वैक्सीन लगी है, जब सरकार ने इस साल के अंत तक सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का बड़ा लक्ष्य रखा है, और इसके लिए करीब हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगनी होगी, जहाँ फिलहाल हर दिन 40 से 50 लाख के बीच कोरोना टीके दिए जा रहे हैं, जहाँ सरकार का उद्देश्य है कि साल 2021 के अंत तक सभी 18 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। हालांकि देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जहाँ तीसरी लहर के जोखिम को देखते हुए बच्चों में टीका लगाने के लिए कई देशों में आपातकालीन मंजूरी दे दी है, लेकिन भारत में अब तक बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। जहाँ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पूरी निगरानी के साथ जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट और कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।